अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ मिनेल और मैं आपके साथ आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूँगी जो कि इंटीरियर डिज़ाइन के हवाले से है, बट हमारी जहनी और जिस्मानी सेहत से भी रिलेटेड है। हम अक्सर मिनिमलिज्म का लफ्ज सुनते हैं और हम इसको एज अ स्टाइल समझते हैं कि ये शायद ऐसा एक मॉडर्न स्टाइल है जिसमें सिंपल फीचर्स होते हैं और सिंपल फर्नीचर वगैरह होता है। लेकिन मैं आपको इसका एक अलग फंक्शन आज बताने वाली हूँ। पहले मैं ये लफ्ज़ इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ आपके साथ, जो कि क्लटर का लफ्ज़ है। क्लटर का उर्दू के ट्रांसलेशन में एक लफ्ज़ मतलब नहीं है, बट क्लटर से मुराद ये है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें, या तो कचरा या कबाड़ या शोर। हम बहुत से ऐसे होते हैं जो अपने घर को क्लटर से साफ नहीं कर पाते। ये हमारे अंदर किसी खामी की वजह से नहीं है, बट बहुत से हम ऐसे आदि होते हैं जो हम बहुत ज़्यादा पुरानी और नई चीज़ें जमा करते रहते हैं, या हमारे पास जो सामान है घर पे, हम उसको शायद सही तरह ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते, क्योंकि शायद हमारे पास टाइम ना हो, शायद हम ऐसे ज़हनी या जिस्मानी मसले से गुज़र रहे हों जिसकी वजह से आपको अपना घर साफ और ऑर्गेनाइज रखने में बहुत मुश्किल होती हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हकीकत है कि जिनको मोबिलिटी के इश्यूज़ होते हैं, जैसे कि घुटनों या टांगों के मसले, उनको घर संभालना या साफ करने में बहुत मुश्किल होती है, या तो अगर आप किसी ज़हनी बीमारी से भी सफ़र करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल डिप्रेशन, उसकी वजह से भी आप अपने घर को ऑर्गेनाइज्ड और साफ नहीं रख पाते। क्यों ना ऐसा एक घर के इंटीरियर डिज़ाइन का तरीका हो जो कि घर को साफ और सलीके से रखने को आसान बना दे। ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो रिसर्च के मुताबिक क्लटर आपके जहनी और जिस्मानी सेहत को और बिगाड़ देता है। एक क्लटर्ड एनवायरनमेंट आपकी मेमोरी और फोकस को अफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, एक स्टडी है 2011 की, जहां न्यूरोसाइंटिस्ट ने fMRI टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ये देखा कि एक ऑर्गेनाइज्ड और साफ घर डिप्रेशन को बहुत अच्छी तरीके से बेहतर करती है। एक और स्टडी है 2009 की US में, जिसमें ये रिसर्चर्स ने साबित किया कि वो माएँ जिनके घर ज़्यादा क्लटर्ड हों, उनमें स्ट्रेस का हार्मोन कोर्टिसोल ज़्यादा पाया जाता है। तो रिसर्च के मुताबिक घर में क्लटर को देखने से आप अच्छा नहीं फील करते, और ये आपकी फिर हेल्थ को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। अगर आप अपने घर पे खुश नहीं होंगे, रिलैक्स नहीं फील करेंगे, तो आपकी सेहत पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। जाहिर सी बात है, हम इंसान या हम सब की ज़िंदगी वैसे ही इतनी मुश्किल होती है, और ऊपर से घर को मेंटेन, ख़ासतौर पर औरतों को कॉन्स्टेंटली घर को साफ रखना इतना आसान नहीं होता। आज मैं आपको ऐसा इंटीरियर डिज़ाइन का मॉडल दिखाऊंगी जिसके ज़रिए घर को साफ रखना आसान बन जाए, जिसके थ्रू क्लटर, जिसको कहते हैं ज़्यादा दिखने में चीज़ें, आइटम्स और कबाड़, कम हो या तो जब ज़रूरत हो छुप जाएं। इसका नंबर वन सॉल्यूशन है मल्टीपर्पस स्टोरेज फर्नीचर। उसकी मैं आपको वन बाय वन कुछ एग्जांपल्स दिखा देती हूँ। हर फर्नीचर में अगर स्टोरेज की ऑप्शन हो, यहाँ तक कि अगर बेड में भी स्टोरेज इनकॉर्पोरेट हो, उसके ज़रिए आप चीज़ों को छुपा सकते हैं, हटा सकते हैं, ताकि बाहर वो देखने को ना मिले। हमारे पास, कुछ लोगों के पास इतनी चीज़ें होती हैं और उनको समझ नहीं आता, आपको समझ नहीं आता कि इनको स्टोर कहाँ करें। तो मल्टीपर्पज़ स्टोरेज के ज़रिए हम घर के हर कोने में चीज़ें स्टोर कर सकते हैं, ईज़िली छुपा सकते हैं। ये एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं डेस्क का। शायद आपकी डेस्क बिल्कुल पेपर से भरी हुई हो, उसको ऑर्गेनाइज करना मुश्किल हो जल्दी से, अगर आपके घर पे कोई गेस्ट वगैरह आ रहे हैं।
आप पूरी इस चीज़ को फोल्ड अप करके वॉल के साथ फ्लश कर सकते हैं और वो एकदम जगह ज़्यादा साफ और ओपन और क्लटर फ्री लगने लगती है। घर पे आपने लॉन्ड्री सुखानी हो उसका भी डिज़ाइन बहुत अच्छे से दीवार में फोल्ड होके छुप सकता है। जब हैंग और सुखाने का टाइम हो उसकी ट्रे फोल्ड आउट कर ली जाए, जब जगह बढ़ानी हो और एक थोड़ी और साफ लुक क्रिएट करनी हो तो ट्रे वापस फोल्ड इन कर ली जाए। घर के एंट्रेंस पे अक्सर जूतों की भरमार होती है जो बहुत ही ज़्यादा देखने में स्ट्रेसफुल लगता है। एक्चुअली इसका सिंपल सा सलूशन है, एक बेंच दें जिसके अंदर फोल्ड आउट कंपार्टमेंट्स हों। ये बेंच जूते पहनने के लिए भी काम आ जाती है ताकि आप उस पर बैठें और जूते पहन लें, और जूते स्टोर करने के लिए भी। फिर कोई भी घर की टेबल हो, जैसे टीवी टेबल हो या कंसोल हो, उसमें लार्ज बिन्स इनकॉर्पोरेट कर लें जो एक डिज़ाइन का ही पार्ट लगे। कोई भी लाउंज में क्लटर हो उसको बिन्स में टेम्परेरली स्टोर कर लें या फेंक दें टिल आपके पास शायद बाद में ऑर्गेनाइज और सॉर्ट आउट करने का टाइम हो। किचन में बजाय इसके के सारे क्लीनिंग सप्लाईज यानी झाड़ू मॉप क्लीनिंग बॉटल्स वो बाहर ही खुली डिस्प्ले हुई हो, एक स्लीक सा कम चौड़ाई का शेल्फ बना दें जिसके अंदर कंपार्टमेंट्स डाल दें ताकि वहाँ सारी क्लीनिंग सप्लाईज छुप जाएं। इसी कैबिनेट में एक फोल्ड इन आयरनिंग टेबल भी फिक्स कर दें ताकि सारी चीज़ें एक ही जगह अकोमोडेट हो जाएं। मकसद ये है छुपाने का कि विजुअली आप पे इतना ज़्यादा लोड ना हो और आपको किसी भी स्पेस में कम से कम आइटम्स नज़र आएं, क्योंकि ये प्रूवन है कि ये हमारे दिमाग पे एक कामिंग असर डालती है अगर स्पेस ज़्यादा मिनिमल और साफ लगे। टीवी के तारें छुपाने का एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप एक कैबिनेट टाइप बना दें जहाँ वायरिंग फिक्स्ड हो जाए और आगे एक पैनल हो दरवाजे की तरह जिस पे टीवी माउंटेड हो। वर्टिकल स्पेस को यूज़ करना बहुत एक और अच्छा तरीका है क्लटर को रिड्यूस करने का, बजाय ये कि हम ज़मीन पे या टेबल वगैरह पे आइटम्स बिखरे हुए छोड़ दें, हम दीवार के वर्टिकल कंपार्टमेंट्स में उन्हें लगा दें या फिक्स कर दें। ओपन शेल्विंग जो है वो एक तरह से क्लटर्ड लुक ज़्यादा बढ़ाती है, तो शेल्फ्स के कुछ कैबिनेट्स को शटर से बंद करना एक बहुत ज़बरदस्त तरीका है एक नीट और साफ लुक अचीव करने में। ये टॉपिक वैसे बहुत वसी है तो हम इस ही टॉपिक पे और वीडियोस करेंगे जिसमें हम और तरीके इंटीरियर डिज़ाइन के डिस्कस करेंगे जिसमें घर को एक नीट और साफ लुक देना आसान बन जाए ताकि हमारा ज़हनी लोड कम हो। तो इस वीडियो में हमने कुछ स्टोरेज सॉल्यूशंस डिस्कस किए हैं, नेक्स्ट वीडियोस में हम और क्लटर फ्री स्पेसेस के मुतालिक और भी स्ट्रेटजीज डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।